हेलो एवरीवन एंड ग्रीटिंग्स फ्रॉम न्यूमटेक। एक कोर्स करने में और उसी कोर्स के बेस पे अपनी वर्किंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। किसी भी लैंग्वेज कोर्स में आपको ये समझाया जाता है कि वो लैंग्वेज एक्चुअली में वर्क कैसे करती है, उसकी नोमेनक्लेचर क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये लैंग्वेज को समझने के लिए यूज़ की जा सकती हैं कि ये लैंग्वेज में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है या क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर उसी कोर्स को लेकर हम एक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने लगेंगे तो बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है। और इसी कारण से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कोर्स तो कर लेते हैं लेकिन उसके बेस पे आगे कुछ एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर पाते हैं। सो इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसमें आपको वर्किंग एप्लीकेशन क्रिएट करने को मिलेगी। और इस प्लेटफॉर्म में बिल्कुल बेसिक से बताया गया है कि किस तरह से आप बिगनर लेवल से लेके प्रोफेशनल लेवल तक एक वर्किंग एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म का नाम है JetBrains Academy। और अगर आपको JetBrains के बारे में पहले प्रायर नॉलेज नहीं है तो थोड़ा मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले तो JetBrains एक 20 ईयर्स पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और JetBrains बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बना चुकी है जिसको हम अपने डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने इंटेलिजेंट बेस्ड IDEs के बारे में सुना होगा जिसमें सबसे पॉपुलर IDE Android Studio है। अब आपने कोई भी अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी हो तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे ही कर पाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म भी आपका JetBrains ने डेवलप किया है। इसके बाद जो कि एंड्रॉयड की ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ कॉटलिन, और कॉटलिन को भी डेवलपमेंट करने में JetBrains का ही हाथ है। और इसी तरीके से PyCharm जो कि पाइथन का डेवलपमेंट IDE है इसे भी JetBrains ने ही डेवलप किया है। सो इस तरह के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि JetBrains ने डेवलप किए हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लिए। सो इट्स ए क्वाइट नाउन कंपनी। और JetBrains ने ही अपनी JetBrains Academy स्टार्ट की है जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये हमें स्टार्टिंग में कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं और ये ऑफर हमें बिल्कुल लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिल रही है। सो सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बताता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में हमें क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक अर्ली अडॉप्टर प्राइस लिखा हुआ है। सो इस अर्ली अडॉप्टर में अगर आप जुलाई 1 से पहले रजिस्टर करते हैं तो आपको नीचे लिखी ऑप्शंस मिल जाएंगी। तो इन ऑप्शंस के अंदर सबसे पहले तो हमें जनवरी 1 तक फ्री ऑफ कॉस्ट सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। JetBrains Academy के अंदर जो भी मॉड्यूल इसमें ऐड किए जाएंगे उसको आप जनवरी 1 तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर पाओगे, यानी कि आप नेक्स्ट 6 to 7 मंथ तक इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप 1 ईयर की पेड सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहते हो तब भी आपको इसमें से 50% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन पहले वाली ऑप्शन दूसरे वाली ऑप्शन से ज़्यादा अच्छी है तो इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही एनरोल करेंगे। और इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके ये देख सकते हैं कि अभी इनमें कौन कौन से ट्रैक्स अवेलेबल हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें जावा अवेलेबल है, पाइथन अवेलेबल है, कॉटलिन अवेलेबल है, एंड्रॉयड, डाटा साइंस और फ्रंट एंड के लिए जो कोर्सेज हैं वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो आपको थोड़ी देर में वो कोर्सेज भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो आज हम देखेंगे कि किस तरह से इन कोर्सेज में हमने एनरोल करना है और किस तरह से हम इसके अंदर एक वर्किंग एप्लीकेशन को क्रिएट कर पाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सो सबसे पहले तो हमने अपना गूगल सर्च इंजन स्टार्ट करना है और इसके बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे JetBrains Academy के बारे में। इसका लिंक हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और जैसे ही इसको आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर JetBrains Academy जो पहले नंबर पे आ रहा है उस पर क्लिक करना है आपने। तो इस तरह से नेक्स्ट वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के बारे में पढ़ सकते हैं। सो अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इन कोर्सेज में एनरोल करना है। तो मैं इसमें से कोई भी कोर्स एक चूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर पहले जावा चूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा कोर्स में पसंद है, और अगर आपको कोई भी श्योर नहीं है तो आप आई एम नॉट श्योर पे भी क्लिक कर सकते हैं। और इन कोर्सेज को बिल्कुल बेसिक से करवाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पहले प्रायर नॉलेज होनी चाहिए जावा के बारे में फिर ही आप इस कोर्स को अडेप्ट कर पाएंगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें इसमें नोट करनी है। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा ये जो कोर्स है कितने आवर्स का है। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये 82 आवर्स का कोर्स है। और दूसरी बात, यहाँ पर 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे। सो इन प्रोजेक्ट को डेवलप करने में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो कि आप आगे चल के देखेंगे। और इस तरफ बॉटम में आपको कोर्सेज के टॉपिक देखने को मिल जाएंगे कि इसमें क्या क्या कवरअप हो रहा है। इसके बाद हम चूज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक करेंगे जिसमें कि आप डिफाइन कर पाएंगे कि आप किस लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं इन कोर्सेज को। यहाँ पर आपको 4 लेवल दिख रहे होंगे। सबसे पहले ईजी, मीडियम, देन हार्ड, देन चैलेंजिंग। आप अपनी पहले प्रायर नॉलेज के अकॉर्डिंग इनमें से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेवल अच्छा लग रहा है। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस कोर्स को स्टार्ट करते ही आपके सामने 3 प्रोजेक्ट्स सामने ही लिखे हुए आ रहे हैं। सबसे पहले सिंपल चैटी बोर्ड, देन कॉफ़ी मशीन, देन टिक टैक टो। तो यहाँ से आपको फिगर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्स होने वाला है।
और इसमें जितना भी काम चलना है वो प्रोजेक्ट वाइज ही चलना है। इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके देखते हैं। मैं सबसे पहले सिंपल चैटी बोर्ड को ही स्टार्ट करके देखता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वेब पेज पे आपसे रजिस्ट्रेशन पूछी जाएगी। तो अगर तो आप जेटब्रेन्स का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर यूजिंग जेटब्रेन्स अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद सारी नेक्स्ट प्रोसेस आएगी कि किस तरह से आपने इसमें अकाउंट बनाना है। लेकिन मैं कॉमनली अक्सर गूगल अकाउंट से ही लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ पर मैं गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट वेब पेज ओपन होने पे आपको यहाँ पर आपका स्टडी प्लान मिल जाएगा और स्टडी प्लान के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होगी। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है कि ये हमारा कोर्स जो है वो 4 स्टेजेस वाला है और जो सबसे पहले स्टेज आ रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है हेलो व्हाट्स योर नेम, यानी कि आपको चैटबॉट पूछेगा कि आपका नाम क्या है। सो इस तरीके का बहुत ही इंट्यूटिव कोर्स आपको करवाया जा रहा है जिसके अंदर आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बना के दिखाई जा रही है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल इंट्रोडक्शन टू जावा से स्टार्ट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पहले प्रायर नॉलेज चाहिए। और ये कोर्स जितना भी चलने वाला है ये बिल्कुल सिक्वेंशियल मोड में चलने वाला है, यानी कि आप पहले मॉड्यूल को कवर अप करेंगे तभी आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे जा पाएंगे। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। हाँ, जब आपके ऑप्शंस ओपन हो जाएं सारे, आप सिक्वेंशियली एक बार सबको कर लो, तो फिर आप अगर प्रीवियसली कुछ मटेरियल देखना चाहते हो तो बैक जाके भी देख सकते हो। और इसके जो लेक्चर होंगे वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे। मैं आपको अभी एक लेक्चर ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पर। सो नेक्स्ट वेब पेज ओपन होने पे आपके सामने एक थ्योरी वर्क यहाँ पर खुल जाएगा और ये मटेरियल पढ़ने के बाद आपने स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चंस क्लियर करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे जा पाएंगे। सो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को कवर अप कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात जरूर है कि इसमें आपको कोई प्रिंसिपल सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको एंड में इसकी स्कोरिंग मिलती है जिससे आपको पता चलता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया है इस कोर्स के अंदर। अगर आप डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो जावा सबसे ज़्यादा बढ़िया रहती है। अगर आप डाटा साइंस बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो पाइथन सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो कोटलिन से बढ़िया और कोई नहीं है। और तीनों में ही वर्किंग एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती हैं ये आप सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 जुलाई से पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं। तो 1 जुलाई से पहले आप इसको जरूर एनरोल करें और धीरे धीरे करके ये सारा कोर्स अपना कंप्लीट करें। और अगर आपको इस कोर्स को हैंडल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको वर्किंग एप्लीकेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके कुछ सजेशंस हो इस वीडियो के बारे में, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स के अंदर मेंशन जरूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। सो अपने फ्रेंड्स को भी इस वेबसाइट के बारे में जरूर बताइए ताकि वो एक प्रैक्टिकल वर्किंग एप्लीकेशन बना पाए। और जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स इट, दिस इज गुरहंस पाल सिंह साइनिंग ऑफ। एंजॉय बीइंग ए लर्नर।